किसके द्वारा चलाया जा रहा है? यह रक्तदान का विशाल शिविर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ द्वारा आज पूरे प्रदेश के मंडल और जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया है। उसी के क्रम में आज बरेली में भी बृहद विशाल रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है। रक्तदान हम लोग अपने परम श्रद्धेय श्री आर के दत्ता जी के पुण्यतिथि और भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन जो इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है पर हम लोग कैंप लगाते हैं। आज बरेली मंडल में बरेली मुख्यालय पर और जनपद शाहजहाँपुर में हमारा रक्तदान शिविर चल रहा है और हमारा जो रक्तदान का लक्ष्य है मंडल का वो 500 का है और अभी आज हमारे 3 कैंप यहाँ पे लगे हुए हैं IMA मिशन और जिला चिकित्सालय। लगभग अभी तक कितने लोगों ने रक्तदान किया है? लगभग अभी 80 के लोग हमारा रक्तदान तीनों कैंपों में मिला के कर चुके हैं और अभी हमारा ये कार्यक्रम 3 बजे तक चलेगा और 18 तारीख को जनपद बदायूं में पुनः हमारा रक्तदान शिविर लगेगा और हमारे पूरे मंडल का लक्ष्य 500 है। आज आपके चैनल के माध्यम से हम इंजीनियर्स डे पे सभी इंजीनियर्स बंधुओं को बधाई देते हैं और अपने समस्त रक्तदाताओं को आभार व्यक्त करते हैं कि मानव जीवन के कल्याण हेतु अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं क्योंकि एक यूनिट ब्लड से हम 4 जान बचाते हैं। और मैं आह्वान करूंगा बरेली के जनमानस का भी, वो भी स्वैच्छिक रूप से आकर के, हमारा कैंप 3 बजे तक चलेगा, इसमें रक्तदान करें और हमारे कैंप को सफल बनाएं। सर मुख्य अतिथि कौन थे? आज मुख्य अतिथि हमारे श्री आदरणीय मंत्री गंगवार साहब थे, परंतु अपरिहार्य कारणों से उनको दिल्ली बुला लिया गया। आज हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे महापौर इंजीनियर उमेश गौतम साहब और हमारे मुख्य अभियंता श्री प्रवेश गुप्ता साहब विशिष्ट अतिथि रहे और श्री उमेश गौतम जी महापौर जी द्वारा हमारे रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया और ये अनुबंध चल रहा। मैडम आपका नाम क्या? ममता सक्सेना। आज जो आप ब्लड डोनेशन करने आई हैं उसके आपको कैसा लग रहा है? अच्छी फील हो रही है। मैं अपना ब्लड दान करके अगर किसी को जिंदगी मिलती है इससे अच्छी और क्या बात है। इससे पहले भी क्या ब्लड किया? कितनी बार? दूसरी बार।